अगर आप में कुछ कर जाने का जुनून और पर्टिकुलर काम के प्रति रुचि और डेडिकेशन है तो दोस्तों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज आपको भुवन बम, जिन्हें बीबीके वाइन्स का फाउंडर कहा जाता है, उनके सक्सेस और जर्नी को एक्सपोज करेंगे और साथ में अमांडा और भुवन के बीच क्या है वास्तविकता, वो भी आपको आज बताएंगे। आप हैं नॉलेजमेंट, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मृणाल। आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। 21 जून 1994 दिल्ली में जन्मे भुवन बम बचपन से ही काफी ज्यादा म्यूजिक, मस्ती और गानों के दीवाने थे। पढ़ाई से ज्यादा दिन भर इन सब में ही मन लगा रहता था। दिल्ली के ग्रीनफील्ड स्कूल से पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री हासिल किया गया शहीद भगत सिंह कॉलेज से, और उसके बाद गाने कंपोज करना, म्यूजिक बनाना, गाने लिखना और वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसे काफी कम लोगों ने प्रोत्साहित किया था। इधर जज्बा ना टूटे, इसीलिए उन्होंने बार, पब्स और डिस्को में गाने गाकर अपने टैलेंट को निखारा और उससे कुछ छोटी मोटी अर्निंग्स भी किया। अब शुरुआत कैसे हुई ये भी तो बता दें। बचाए हुए परिश्रम के पैसे से आखिर भुवन ने एक अच्छी सी नेक्सस फोन ले लिया और उसे एक्सीडेंटली उसने छोटा सा शूट किया, और जब उसके दोस्तों और बाकी के लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया और उन्होंने उसका सपोर्ट किया, तब बीबीके वाइन्स क्रिएट किया गया और लगातार वीडियो और लगातार काफी ज्यादा परिश्रम के बाद भुवन बम को काफी अच्छी सफलता हाथ लगी। अर्निंग्स, अब ये जान लेते अर्निंग कितनी होती है भुवन की। इतने ज्यादा परिश्रम और मेहनत के बाद भुवन सालाना तकरीबन 3.4 मिलियन डॉलर कमाई कर लेते हैं। रिलेशनशिप अमांडा के साथ, एक इंटरव्यू के दौरान भुवन ने अमांडा को अपनी काफी अच्छी दोस्त और सहायक मानते हैं, और एक अच्छे दोस्त और सहायक के अलावा इन दोनों में कुछ भी नहीं है। अब जान लेते हैं सक्सेस मंत्रा, ऐसा क्या करें कि आप भी भुवन की तरह सक्सेसफुल बन सके। अपने काम के प्रति लगाव, डेडिकेशन और नम्र व्यवहार आपको भुवन बम की तरह काफी अच्छे से आगे लेकर जा सकता है, और कभी हार ना मानना सबसे बड़ी सफलता की चाबी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए काफी ज्यादा धन्यवाद। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए वीडियो को, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे जानकारी और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।